कॉलेज कांड वेब सीरीज में दिखेगा दक्षिण हरियाणा के छोरों का दम। 17 सितंबर को बॉलीवुड स्टार यशपाल शर्मा पहुंचेंगे रेवाड़ी। पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में दिखेंगे हरियाणवी निवासी बॉलीवुड स्टार यशपाल शर्मा। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। जी हाँ, 19 सितंबर को रिलीज होने वाली वेब सीरीज कॉलेज कांड में दिखेगा दक्षिण हरियाणा के छोरों का दम। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा की नई वेब सीरीज कॉलेज कांड में रेवाड़ी के बलियार खुर्द निवासी कुलदीप शर्मा धाकड़ स्टूडेंट के रोल में नजर आएंगे। तो वहीं महेंद्रगढ़ के धनोदा निवासी परवेश राजपूत ने लिखी है स्टोरी। हाल ही में रेवाड़ी शहर के सेक्टर 4 में परिवार के साथ रहते हैं परवेश राजपूत। हरियाणा के 22 जिलों से लिए गए हैं फिल्म के कलाकार। फिल्म बनाने वाले निर्माताओं का दावा कि ये होगी हरियाणा थ्रिलर वेब सीरीज, और इस थ्रिलर मूवी में कॉलेज लाइफ में लव स्टोरी से लेकर रैगिंग, प्रिंसिपल का मर्डर सहित कॉलेज लाइफ के सभी पहलुओं को टटोलने की कोशिश की गई है। अब आगे आपको दिखाते हैं कि 19 सितंबर को रिलीज होने वाले वेब सीरीज कॉलेज कांड को लेकर कलाकार या स्क्रिप्ट राइटर क्या कहते हैं। तो पहले तो सारे रेवाड़ी को मेरी राम राम। मेरा नाम परवेश राजपूत है और मैं गांव धनौंदा का, जिला महेंद्रगढ़ कनीना के पास का रहने वाला हूँ। फिलहाल मैं एज ए लेखक और एज ए कंटेंट हेड आपसे बात कर रहा हूँ। मैं एक हमारी एक वेब सीरीज आने वाली है कॉलेज कांड। ये कॉलेज कांड वेब सीरीज स्टेज ऐप पे 19 तारीख को आएगी, और इस वेब सीरीज की खास बात यह है कि इसमें पूरे हरियाणा के 45 से ज़्यादा कलाकारों ने काम किया है। 22 के 22 जिलों से 45 कलाकार, और इसमें यशपाल शर्मा मुख्य भूमिका में है। जोगिंदर जाखड़ की पुलिस वाले हैं, उनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। इसमें जो डायरेक्टर हैं राजेश अमरलाल बब्बर, उनको छोरिया छोरों से कम नहीं होती के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। मैंने ये सीरीज लिखी है, और जो इसके DOP अर्जुन राव, उनको भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। साथ में संदीप शर्मा जिन्होंने सतरंगी बनाई थी, वो भी राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मानित हैं और वो भी इस सीरीज में काम कर रहे हैं। साथ में जो कॉलेज के बच्चे हैं उसमें कुलदीप शर्मा, योगेश शर्मा और कबीर शर्मा, ये लोग इसमें मुख्य भूमिका में कर रहे हैं। कहानी की अगर मैं बात करूँ तो कॉलेज कांड की कहानी कॉलेज के मुद्दों के अराउंड है कि कॉलेज में अपने रैगिंग होती है, अपने सुसाइड होता है, बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर होता है, कॉलेज में जो घोटाले होते हैं, जो गुंडागर्दी होती है, वो सारे के सारे एलिमेंट इसमें हैं। मतलब, और एक खास बात यह है कि हरियाणा की पहली क्राइम थ्रिलर, मतलब हरियाणा में आज तक क्राइम थ्रिलर बनी नहीं है। हरियाणा में कॉमेडी बहुत है, हरियाणा में ड्रामा बहुत है। हरियाणा की पहली क्राइम थ्रिलर है जिसमें एक पुलिस वाला, एक कॉलेज है जिसमें एक प्रिंसिपल का मर्डर हुआ और एक पुलिस वाला अपॉइंट हुआ है। पुलिस वाला बड़ा सनकी, ईमानदार है, किसी की सुनता नहीं है, चाहे मंत्री का फोन आ जाए। और उस पुलिस वाले को जिम्मेदारी दी गई है कि भाई ये मर्डर सुलझाना है। उसको पता नहीं चल रहा है, सब पे शक जाता है, चाहे कॉलेज के बच्चे हो, चाहे स्टाफ हो, चपरासी, हर किसी पे शक है और समझ में नहीं आ रहा कि मर्डर किसने किया। मूवी के माध्यम से अब क्या तरह से आप इसको सक्सेस हो पाएगी? देखिए, जैसे कि इसका नाम है, वेब सीरीज का नाम है कॉलेज कांड, तो ये कांड के ऊपर ही आधारित है। लेकिन इसमें संदेश यही है कि आजकल माँ बाप और जो गार्जियन होते हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं कॉलेज में बड़ी उम्मीद के साथ कि भाई हमारा बच्चा कॉलेज में जाएगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, ये सीखेगा, कुछ अफसर बनेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कॉलेज में जाने के बाद लगभग सारी के सारी जो गलत हरकतें होती हैं ना, उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये सीरीज ये सिखाती है कि अगर आप गलत हरकत करते हो या गलत एलिमेंट्स में या गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हो तो उसका अंजाम कितना गलत हो सकता है और आपको वो कहाँ तक लेके जा सकता है। जैसे कि आपने बताया हरियाणा कल्चर से जुड़ी, हरियाणा में काफी मूवी का कहीं ना कहीं पंजाब के मुकाबले हम पीछे रहते हैं, तो ये कल्चर को किस तरह से बढ़ावा देगी और किस तरह से आप कल्चरल इसको बढ़ावा देने के लिए काम किया इसके ऊपर आपने? वही है, मैं आपको बोलूँ तो फिलहाल ये हरियाणवी स्टेज ऐप पे आने वाली है। हरियाणवी स्टेज ऐप हरियाणवी बोली पे, हरियाणवी संस्कृति पे काम करती है। हरियाणवी स्टेज ऐप जब आपने फोन में डालोगे तो आपको दिखोगे कि वहाँ पे गीत है, संगीत है, रागनी है, फिल्में हैं, वहाँ पे अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है। मेरे यार की शादी है, अखाड़ा वेब सीरीज है, और अभी कॉलेज कांड है। और कल्चर की अगर बात करें तो यहाँ की बोली को प्रमोट कर रहे हैं हम। हरियाणा के 22 जिलों से कलाकारों को लिया गया और उन सबको बोला गया कि आप अपने जिले की बोली को बोलिए, क्योंकि हरियाणा एक बोली में नहीं बनता। आप जब दक्षिण हरियाणा में आते हो तो बोली अलग हो जाती है, जब आप
उत्तर हरियाणा में जाते हो तो बोली अलग हो जाती है, रोहतक की बिल्कुल अलग है, तो बोली को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद इसमें कॉलेज के माहौल को दिखाया गया है, माँ बाप मतलब गांव के परिवेश को भी बहुत अच्छे से दिखाया गया है, तो गांव के कल्चर को, तो आप चाहे वेशभूषा की बात कर लो, चाहे डायलेक्ट की बात कर लो, चाहे लोगों के एटीट्यूड की बात कर लो, इसमें आपको पूरा हरियाणा दिख गया है। कहाँ कहाँ पे फिल्मांकन हुआ है? तो इसकी लगभग 70% शूटिंग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुई है, बाकी इसके हरियाणा के अलग अलग गांव और देहात में हुई है शूटिंग इसकी। और बाकी मुख्य किरदार इसके लगभग पुलिस वाला है जोगिंदर जाखड़, जिसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। इसमें संजू यादव, मुक्की कौशिक है, और एक किरदार और है अपना ताऊ जी का, जो इलेक्शन लड़ रहा है MLA का। तो इस तरह से अलग अलग किरदार, मतलब ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि भाई कौन सा किरदार इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। कि आप जब वेब सीरीज देखोगे तो 45 के 45 किरदार है ना, वो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, वो अपनी हरियाणवी छाप छोड़ के जाते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा 19 सितंबर को ये स्टेज ऐप पे आएगी। इसका ट्रेलर आप हरियाणवी स्टेज ऐप के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, और ट्रेलर को भी बहुत प्यार मिल रहा है। आप ट्रेलर देखोगे तो ट्रेलर भी बड़ा इतना बंधा हुआ है कि पता ही नहीं चलता है कि मर्डर किसने किया है। तो 19 सितंबर स्टेज ऐप, हरियाणवी स्टेज ऐप पे आएगी। यशपाल शर्मा किस भूमिका में है इस मूवी में? जैसे मैंने बताया कि जोगिंदर जाखड़ नाम का एक पुलिस वाला है, जिसको मर्डर मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है ये, और इनको मतलब हिसार में अपना काम कर रहे थे ये लोग, और जब इनको पता चलता है कि भाई यहाँ पे ये कहानी है पंचकुला में सेट है, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की भूमिका में है, और उनके परिवार में बड़ी त्रासदी चल रही है, ईमानदार है ये सारी चीज़ें हैं। और तो मैं क्या कहूँ, मतलब आप सीरीज देखिए, उसके बाद ज़्यादा पता चल पाएगा कि कैसा क्या है। परिचय देंगे आप सबको? सबसे पहले मेरा नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप शर्मा, और मैं जिला रेवाड़ी के बालियर खुद का रहने वाला हूँ। जिस तरह से आपकी जो मूवी आने वाली है, क्या इसमें पूरा कंटेंट है और किस तरह से रहने वाला है सब कुछ? और जिस तरह से दक्षिण हरियाणा में अमूमन इस तरह की जो गतिविधियाँ कमी होती हैं, तो आप जा रहे हैं तो उसको लेकर युवाओं को लेकर क्या कहेंगे सब कुछ? मेरी जो ये वेब सीरीज आ रही है, ये बेसिकली कॉलेज कांड है, मतलब कॉलेज में जो ड्रग पेपर स्कैम आशिकी, मतलब मोटा मोटी ये होता है कि जो हमारे जो पेरेंट्स जो होते हैं, जो बच्चों को जिस मंशा से कॉलेज में भेजते हैं, ये सब उसके अगेंस्ट में जो हम लोग करते हैं कॉलेज में, माहौल जो क्रिएट करते हैं, उस पर उसको दर्शाती है, एक मैसेज कन्वे करती है बेसिकली। दक्षिण हरियाणा में इस तरह के जैसे एक्ट्रेस होना बहुत कम ही देखा जाता है, तो आपको किरदार, आपका चुनाव किस तरह से रहा और आपका जो सफर है किस तरह का रहा इस फील्ड में आने का? सर मेरा चुनाव थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहा है इसमें, क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे जाके अगर इसके बारे में बात करूँ तो मैं अधिकांश, जैसे कई बार सतीश कौशिक जी से मैं मिलता हूँ, सतीश कौशिक जी जो कि बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री का और हमारे हरियाणा का भी, तो सर ने मुझे एक बार बताया कि राजेश जी से आप मिलिए, और राजेश सर एक वेब सीरीज बना रहे हैं और आप उनसे मिलिए, आप कास्टिंग के प्रोसेस में हिस्सा लीजिए। तो मैं सर से मिला, सर ने मुझे बताया कि आप अपनी फ़ोटो भेज दीजिए, अपने ऑडिशंस भेज दीजिए, और कुछ अगर होता है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो सब ये प्रोसेस चलता रहा, एक दो महीने ऑडिशंस हुए, फिर उसके बाद सर का मुझे एक दिन फ़ोन आता है, उन्होंने मुझे संजू यादव का जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ उसके लिए उन्होंने मुझे अप्रोच किया। क्या देखने वाले आप में लोग, जो किरदार में क्या देखने वाले? मेरा जो कैरेक्टर है सर, वो मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा हरफन मोला है, मजाकिया है, इंटरेस्टिंग है। जो कॉलेजेस में जो सीनियर, टिपिकल सीनियर्स होते हैं, बच्चों के साथ रैगिंग करना, या कहूँ के सिगरेट पीना, या पेपर स्कैम करना, या डिसरिस्पेक्ट करना टीचर्स की, वो सब गतिविधि में ये शामिल रहता है, और बहुत चिल आउट पर्सन है। तो कब ये रिलीज होने वाली है और जिस तरह से जा रही है, तो क्या पूरा एक तैयारी चल रही है उसको लेकर? कब सर ये सीरीज 19 सितंबर को रिलीज हो रही है। इसका ट्रेलर आप देख सकते हैं स्टेज ऐप के जो यूट्यूब चैनल है उस पर, और ट्रेलर को अभी बहुत प्यार मिल रहा है, तो आप मेरे दर्शकों से निवेदन है कि जाइए ट्रेलर प्लीज देखिए, और 19 तारीख को सीरीज भी देखिए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। यहाँ तक जो आप पहुंचे, ये सफर कैसा रहा, किस तरह का सर? ये सफर तो बड़ा उतार चढ़ाव जैसा रहा है, बिल्कुल एकदम इंटरेस्टिंग भी रहा है, थोड़ा बोरिंग भी रहा है, और जैसा कि सब लोग आप जानते हैं कि
थोड़ा डिफिकल्ट तो होता ही है। तो इस सफ़र की शुरुआत सर 2017 में मंडी ड्रामा स्कूल से हुई थी। उससे पहले मैंने एक वीकेंड कोर्स किया था श्रीराम सेंटर, जो कि दिल्ली मंडी है उसमें है। उसके बाद बॉम्बे का सफ़र रहा, वहाँ पे स्ट्रगल रही, कभी ऑडिशन क्रैक हुए कभी नहीं हुए, किसी में शॉर्ट लिस्टेड हुआ किसी में नहीं हुआ, तो सब सफ़र चलता रहा। कुछ काम मिला, कुछ छोटा मिला, कुछ बड़ा मिला। मुख्यतः अगर मैं आप बोलूँ तो जो एक बड़ा ब्रेक है वो मुझे इसी कॉलेज कांड से ही मिला है, और मुझे उम्मीद है कि ये मेरे जीवन में कुछ एक अलग ही सफलता का मुकाम लाएगी। और इसमें जो मुख्य है, जो मैं किसी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, वो सतीश जी का, यशपाल सर का, जिन्होंने मुझे सेट पे बहुत सपोर्ट किया एज ए सीनियर। मेरे पूरे जितने सेट के जितने योगेश, मेरा को एक्टर कबीर, मेरा राइटर प्रवेश राजपूत, उन्होंने मुझे ये कैरेक्टर को समझाने में बहुत मदद की। उन्होंने मुझे बताया कि कैरेक्टर की साइकी क्या है, कैसे इसको प्रिपेयर करना है सेट पे, कैसे रिहर्सल में हम लोग डिस्कस करते थे राइटर के साथ बैठ के। राजेश सर जिन्होंने मुझे कास्ट किया, मेरे डायरेक्टर, उनका बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि सेट पे हमेशा वो इतना कूल रहते थे और उन्होंने इतना कंफर्टेबल फील कराया हम सब एक्टर्स को, तो थोड़ा आसान हो गया था कैरेक्टर करना। कुलदीप भाई, अमूमन देखते हैं लोग अपने आप बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, हर इच्छा यही होती है। आपका कोई इंसिडेंट, अभी मुझे एक्टर ही बनना है, पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं विरोध रहा होगा, तो किस तरह से इधर आया? सर मैं इसमें आपको एक जगह थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, मेरे पेरेंट्स का कोई विरोध नहीं रहा। और इसकी शुरुआत केवल ऐसी हुई थी कि दोस्तों में गोष्ठी चल रही है कॉलेज टाइम में, तो किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि एक्टिंग कर ले यार तू ऐसे ही, तो बस तब से वो बात ऐसी क्लिक करी, तो फिर वहीं से सफ़र शुरू हो गया था सर। परिवार का बहुत सपोर्ट रहा, आज तक है, अभी तक है, और उम्मीद करता हूँ आगे भी रहेगा। क्या इससे पहले? हाँ, इससे पहले सर मेरी एक वेब सीरीज आई थी 80-90 पूरे सो, वो भी क्राइम थ्रिलर पे बेस्ड थी। उसमें मैंने एक पत्रकार का किरदार निभाया था। उसकी कहानी कुछ इस प्रकार थी कि पाकिस्तान में एक सीरियल किलर होता है जो 100 बच्चों का कत्ल करता है, यानी कि आप मान लीजिए 15 से और 15 साल के बच्चों, ये रियल कहानी पे बेस्ड थी। कुछ कुछ सब टीवी सीरियल्स भी किए हैं, और लेकिन उसमें बहुत वन लाइनर टू लाइनर ऐसा कुछ किरदार किया। अभी आपने प्रमोशन को लेकर भी आप तैयारी कर रहे हैं, क्या आगे का प्लान है आपका? सर हमारे आगे का प्लान तो पूरा हरियाणा ट्रेवल पे है, जो कि परसों से शुरू हो जाएगा, और परसों से सौभाग्यवश हमारी पूरी कॉलेज कांड की टीम रेवाड़ी में आ रही है। यहीं से शुभ गणेश किया जा रहा है, जिसमें यशपाल शर्मा जी हैं, मैं हूँ, और मेरे कॉलेज कांड के जितने भी मुख्य भूमिका में हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, सब लोग आ रहे हैं रेवाड़ी में। तो मेरा निवेदन है कि जितने भी जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, आप सब लोग आइए और कॉलेज कांड को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।